हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम आइनॉक्स लेजर के शेयर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आपको कुछ ही समय या लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हाँ, तो दोस्तों, आइनॉक्स कंपनी काम क्या करती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के मल्टीप्लेक्स है और इस कंपनी के स्क्रीन्स हैं। मतलब क्या कहते हैं कि आप सभी को पता है कि आइनॉक्स क्या कहते हैं मूवी दिखाने का काम करता है, और आप सभी ने आइनॉक्स में मूवी देखी ही होगी। तो आइनॉक्स की अब हम बात करते हैं कि उसके पास अभी कितने मल्टीप्लेक्स हैं। अगर हम आइनॉक्स की अभी रिसेंटली ही बात करें, ये जो डेटा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले लिखा हुआ है अबाउट ये, क्योंकि ये कंपनी के बारे में है। इसलिए कंपनी की बात करें तो कंपनी के लगभग 100 मल्टीप्लेक्स हैं, और उन मल्टीप्लेक्स के अंदर जो कंपनी की स्क्रीन होती है, मतलब किसी मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है, तो वो स्क्रीन की बात करें तो कंपनी के 389 स्क्रीन है अभी प्रेजेंटली। का कितना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे उसका एग्जैक्ट डेटा है ये। मतलब अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 389 स्क्रीन कंपनी के पास थी, और ये कंपनी 54 सिटीज़ में कंपनी का काम चलता है। मतलब इंडिया में जितने भी सिटीज़ है उसमें से 54 सिटीज़ में अभी कंपनी का कारोबार चल रहा है। अब इसके थोड़े कुछ रेशियोज़ को देख लेते हैं हम। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो कंपनी 186.81 के पी रेशियो पे ट्रेड हो रही है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो कि अभी मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर PVR और आइनॉक्स ही लिस्टेड है, तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों शेयर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है तो उसके चलते थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोई भी कॉम्पिटिटर इनके पास नहीं है, अभी आइनॉक्स और PVR ही है। तो इसलिए आपको ये दोनों शेयर लगभग 150 से ऊपर के पी पे मिलेंगे, और आपको हमेशा 150 से ऊपर के पी पे ही ये शेयर मिलेगा। मेरे ख्याल से 150 से नीचे ये शेयर आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर इसके पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो 4.5 है, जबकि सेक्टर का पीबी है वो है 3.11। तो सेक्टर के पीबी के मुकाबले देखा जाए तो ये शेयर थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन आपको यही बताना चाहूँगा कि मार्केट में भी 2 कंपनी लिस्टेड है, तो ये अच्छे खासे प्रीमियम वैल्यूएशन पे आपको मिलेगी, और इस पर अच्छा खासा ट्रेडिंग देखने को भी आपको मिलेगा। इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो स्टॉक इतना अच्छा खासा डिविडेंड नहीं देता है, 0.36% का डिविडेंड देता है, और अभी हाल ही फिलहाल में कंपनी ने इस साल में 1 रुपीस का डिविडेंड दिया है। तो मतलब अगर आपके पास 20 शेयर होंगे तो आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिल गया होगा, और अगर 100 शेयर्स होंगे तो आपको 100 रुपये का डिविडेंड मिल गया होगा। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इतनी ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, एक स्मॉल कैप के अंदर ये शेयर आता है। 2829 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सस्ते रेट में आपको मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो मेरे ख्याल से ये पी रेशियो तो इसका 150 गुना ही रहने वाला है, तो आप उसके हिसाब से अपना प्राइस इमेजिन कर सकते हो। इसकी बुक वैल्यू देखें तो अभी बुक वैल्यू इसकी 60.34 है, तो इसकी 4.5 टाइम्स इसकी अभी मार्केट प्राइस चल रही है। अब इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू तो कंपनी का हर साल अच्छा खासा बढ़ ही है, और इसमें मल्टीप्लेक्स के बिजनेस के अंदर तो रेवेन्यू हर साल बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सप्लोर करती रहती है। पहले वो थोड़ी सिटीज में कंपनी का कारोबार होता है, अब धीरे धीरे आइनॉक्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या कहते हैं एक्सप्लोर हो चुका है, और मतलब इतना स्प्रेड हो चुका है बिजनेस कि वो आने वाले समय में क्या कहते हैं कि रेवेन्यू तो इसका कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें हम बॉटम लाइन यानी कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, अगर उसकी बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 2017-18-19 में तो बढ़ी है, लेकिन इस बार 20 में मतलब नियर के बराबर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये जो 2020 तक का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मार्च 2020 तक का ही है, इसमें तो अभी कोरोना का वो फैक्ट भी इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो मार्च 2020 तक है, तो मार्च के अंदर लगभग सारे सिनेमाज बंद हो गए थे, तो एक क्वार्टर से उसको फ़र्क ज़रूर पड़ा है। तो एक महीने से मेरे ख्याल से, क्योंकि उस वक्त सैलरी वगैरह देनी पड़ी होगी उनके एम्प्लॉयज़ को, तो उससे बिजनेस अफेक्ट पड़ सकता है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जबकि सिनेमा हॉल तो मेरे ख्याल से
लगभग फर्स्ट सेकंड मार्च से ही सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था, तो उसकी वजह से ये दिक्कत भी हो सकती है। अब इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि किसके पास कितनी होल्डिंग्स है। अगर इसके प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास इसकी लगभग 52% होल्डिंग्स है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 20.58% होल्डिंग्स है। DII के पास लगभग 21% की होल्डिंग्स है और FII के पास लगभग 11% की होल्डिंग्स है। तो और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें 16% होल्डिंग हाँ हमारे पास भी है। तो देखा जाए तो एक तरीके से थोड़ा सा इसमें अगर ऑपरेटर और मतलब ये बड़े लोगों का अगर 2-3% और ज़्यादा हो जाता है अभी तो फिलहाल में शेयर का प्राइस वापस और भाग सकता है। इसीलिए मेरे ख्याल से अदर पार्टीज़ का भी इतना रोल इसमें ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से लगता है अभी थोड़ा शेयर के प्राइस में कम थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। मेरे ख्याल से इनमें से किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी इसमें। अब इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो आप इसकी टोटल इनकम देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि कंपनी की जो 18, 19, 20 की जो इनकम है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। मतलब जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो रेवेन्यू में अगर देखा जाए मतलब कंपनी के ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं पड़ी है। लेकिन हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। कंपनी के एक्सपेंसेस देखा जाए तो वो भी एक अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसके इंटरेस्ट की बात करें, इसमें अगर हम कंपनी को ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसका मेन कारण ये है कि कंपनी के जो इंटरेस्ट है, आप देखिए कंपनी के इंटरेस्ट देखिए, पिछले 2018 में कंपनी का सिर्फ 28 करोड़ का इंटरेस्ट था। ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है, ये मतलब क्या कहते हैं कि ये ऐसा अमाउंट लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे करोड़ जरूर है, हाँ तो ऐसी छोटी सी अमाउंट नहीं होगी। तो 23 करोड़ का उसके बाद कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, लेकिन इस बार कंपनी ने 221 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कंपनी कुछ साल में नेट डेट फ्री भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से कंपनी जल्द अपना डेट क्लियर करना चाहती है। तो इसलिए मेन कारण ये रहा है कि इस बार कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है उससे चलते कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। मतलब नियो के बराबर मतलब सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे ख्याल से कंपनी ये चाहती है कि वो जल्द से जल्द डेट फ्री हो जाए और पूरा प्रॉफिट वो अपनी जेब में डाले। तो मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। आपको ये इंटरेस्ट ज़्यादा ऐसा मत देखना कि ये कंपनी के पास डेट ज़्यादा है, लेकिन कंपनी जल्द से जल्द डेट फ्री होना चाहती है, इसलिए कंपनी जल्द से जल्द अपना जो डेट है वो पे कर रही है। अब इसके हम पर शेयर रेशियोज पर नज़र डाल देते हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही कि 18-19 में कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही थी, लेकिन इस बार अगर आप बात करें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हुई है। तो इसीलिए अर्निंग पर शेयर पर भी उसका असर पड़ा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी लगभग आधी क्या मतलब 50% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो सीधी सी बात है कि अर्निंग पर शेयर भी गिरेगा। तो अर्निंग पर शेयर भी लगभग अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से लगभग ये 90% की गिरावट इसमें देखने को मिल चुकी है। और अगर हम डाइल्यूटेड EPS की बात करें तो वो भी लगभग उतना ही रहा है। और अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सीधा बट ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो डेट है वो थोड़ा इंक्रीज रहा। मतलब पहले डेट थोड़ा ज़्यादा था, वो अभी कंपनी जल्द से जल्द पे करने की कोशिश कर रही है। जब तक कंपनी जल्द से जल्द अगर डेट पे कर लेती है तो उसकी बुक वैल्यू फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अब इसके मार्जिन रेशियोज की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में मतलब हर साल मतलब क्या कहते हैं कि इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव इंडिकेट है। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट में मार्जिन कंपनी का जो है वो ज़्यादा हुआ है और इसमें कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन वो 2020 में कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी हुई थी, लेकिन इंटरेस्ट पे करने के चलते उनकी जो नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल के आया वो थोड़ा कम निकल के आया, ये दिक्कत हो गई है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का हर साल बढ़ा है, ठीक है। और इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की। अब यही पे मेन दिक्कत आ जाती है कंपनी की। अब कंपनी का अगर आप ग्रॉथ प्रॉफिट मार्जिन देखोगे और ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो तो हर साल इंक्रीज हुआ है। अब बात आ जाती है नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। अब इसमें भी 2020 में गिरावट देखने को मिली है। अब 2020 में ऐसी खासी गिरावट देखने को मिली है जब से शेयर का प्राइस एक अच्छा खासा गिरा हुआ देखने को मिल चुका है। 750 का ये हाई बना के आया हुआ था ये शेयर, और अभी ये शेयर लगभग 270 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। क्योंकि सुविधा का ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़े लोगों को ऐसा लग गया है कि कंपनी में कुछ सिस्टम खराब चल रहा है, और उसके बाद ये कोरोना भी आ गया, 6 महीने से सिनेमा हॉल भी बंद पड़े हुए हैं, तो इससे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट कंपनी का डिक्रीज हो गया है। लेकिन ये इसका मेन कोरोना की वजह से परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुआ, इसका डिक्रीज होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट कंपनी का मेन फैक्टर रहा है, और मेरे ख्याल से 3-4 साल में कंपनी डेट फ्री भी हो जाएगी। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करते हैं। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18-19 में तो ये इतने रिटर्न ऑन इक्विटी का 10% से ऊपर था, वो की बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर मतलब जितना मतलब इंटरेस्ट अपना मार्केट में रहता है उससे अगर ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी रहता है तो वो एक अच्छा माना जाता है। लेकिन 2020 में जब कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली एक अच्छी खासी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी उसका असर पड़ा है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.36, उसके बाद 20.52, और उसके बाद वापस वो आधा हो गया। क्योंकि ये अगर हम देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी से ज़्यादा है, क्योंकि वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी ने डेट बहुत ज़्यादा ले रखा है। लेकिन ऐसा कि जो आइनॉक्स के जो ओनर है, आइनॉक्स के जो ओनर, उन्होंने ऐसा कहा है कि हम कुछ ही सालों में कंपनी को डेट फ्री कर लेंगे। मतलब उनका ऐसा मानना है कि 2025 तक कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। तो इसके चलते जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें मेरे को ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और जो ROCE है वो आपको कॉन्स्टेंट मतलब जो इतना रिटर्न ऑन इक्विटी है उसके लगभग ही देखने को आपको मिलेगा। अब हम रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट्स में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सीधा बट ये इंडिकेट कर रहा है कि बस कंपनी जल्द से जल्द अगर अपना डेट क्लियर कर देती है तो ये सब पॉजिटिव, ये सब अभी जो नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, ये पॉजिटिव भी, ये आपको कुछ ही दिनों में पॉजिटिव दिख सकेंगे। अब इसके CAGR सेल्स परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में कंपनी के जो CAGR है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन बात वही आ जाती है नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में फिर से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो CAGR है वो तो माइनस में चला गया, क्योंकि अब इससे सीधी सी बात है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भयंकर गिर चुका है। क्योंकि पहले कंपनी 100-150 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था उससे पिछले साल, और इस साल सीधा 15 करोड़ का प्रॉफिट। क्योंकि सीधा का तब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जल्द से जल्द, अभी कोरोना का ये दिक्कत भी आ गई है, और अगर अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे आइनॉक्स थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा। अब इसके ये जो मेन इसका जो फैक्टर है मैं आपको ये बताता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये मोस्ट प्रॉफिटेबल सिनेमा है अगर स्क्रीन बेसिस पे देखा जाए तो, और पेट्रोन बेसिस पे देखा जाए तो भी ये बहुत प्रॉफिटेबल सिनेमा है, और अगर रुपी इन्वेस्टेड बेसिस पे भी अगर देखा जाए मतलब 1 रुपये इन्वेस्ट पे भी अगर इसको देखा जाए तो ये मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इंडिया का पहला 3-टायर सिनेमा का रिवर्ड प्रोग्राम इन्होंने चालू किया था 2019-20 के फिस्कल ईयर के अंदर। और अगर मैं आपको क्या बोल रहा था कि ये नेट डेट फ्री भी होने वाला है, और ऐसा इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में भी ये शो कर दिया है कि ये पहली ऐसी नेशनल चेन होगी जो कि नेट डेट फ्री हो जाएगी 2025 तक। और मेरे ख्याल से जितना हाई इंटरेस्ट अभी कंपनी ने पे किया है वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द अपने डेट को क्लियर करना चाहती है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो कंपनी के जो स्क्रीन है वो थोड़ी हाल फिलहाल में बड़ी है, और इन्होंने माइलस्टोन क्रॉस कर दिया है, और इनकी अभी 600 स्क्रीन इंडिया में चल रही है, और 600 स्क्रीन में लगभग हर स्क्रीन के अंदर 150 सीट होती है, और 150 सीट मतलब पर कस्टमर 200 रुपये, तो आप सोच सकते हो कि कंपनी को कितना अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट होगा। अब इसके हम क्या कहते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यू और फुटफॉल है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कंपनी के फुटफॉल की बात करें तो 660 लाख कंपनी के फुटफॉल है। अगर मैनेजमेंट की प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड कर लें तो वो मिला के हो जाता है 693 लाख।
अगर हम कंपनी के एवरेज टिकट प्राइस, मतलब क्या कहते हैं कि जो कंपनी का जो महंगा टिकट होता है, जो सस्ता टिकट होता है, उन सबको मिला के अगर कंपनी के एक एवरेज टिकट को निकाला जाए तो 200 रुपये का एक एवरेज टिकट निकलता है। और उसके ऊपर कंपनी का एक टिकट के ऊपर, मतलब अगर एवरेज खर्चा माना जाए तो 80 रुपये कंपनी का खर्चा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि कंपनी को 120 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। जब अगर कोई अच्छी मूवी आ जाती है तो ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो प्राइसेज होती है वो प्रीमियम पे चली जाती है। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1915 करोड़ इस क्वार्टर में आया था और 347 करोड़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो लास्ट में 141 करोड़ रुपीज़ आया है। अब ये जो चार्ट है ये है कंपनी के नंबर ऑफ स्क्रीन, जो कंपनी की स्क्रीन्स है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर जो कंपनी का जो ग्रोथ है उसका ये चार्ट आपको मैं शो कर रहा हूँ। अगर आप चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि हर साल का जो कंपनी का जो चार्ट है वो एक बड़ा ही बना है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि सीधा कट ये इंडिकेट कर रहा है। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि मल्टीप्लेक्स बिजनेस जब चालू हो जाता है तो धीरे धीरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी, मतलब ऑल जहाँ से, मतलब जिस कंट्री में वो चालू होता है फिर उसमें वो पूरी कंट्री में उसको फैलाने की कोशिश करते हैं और इसमें उनकी प्रॉपर्टीज और स्क्रीन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और इस बिजनेस में मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती ही है, इसमें क्या कहते हैं कि डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अभी यहाँ पे कंपनी के एक एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एडवर्टाइजिंग से अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल से तो लगभग कॉन्स्टेंट ही रहा है, इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है पर स्क्रीन का वो भी लगभग कॉन्स्टेंट ही रहा है, इसमें भी ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। और लगभग अगर आप देखोगे पर स्क्रीन का जो रहेगा रेवेन्यू वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि एक कॉम्पिटिशन मार्केट में इतना आ गया। भले मार्केट में 2 कंपनी लिस्टेड है लेकिन अगर आप मार्केट में देखोगे तो रियली 5-6 कंपनीज हैं जो मल्टीप्लेक्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए आइनॉक्स को भी उस कंपटीशन को बियर करना पड़ता है। अब इसके फूड और बेवरेजेस के बिजनेस की बात करें तो फूड और बेवरेजेस के रेवेन्यू हर साल बढ़े हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मतलब कंपनी जो अपना फूड एंड बेवरेजेस का बिजनेस है वो एक अच्छा खासा चल रहा है। और इसके हेड पे अगर इस खर्चे को देखें तो इतना लगभग इसका वो भी एक खर्चा इसका थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। और आपको तो पता ही है कि फूड एंड बेवरेज सिनेमा हॉल के अंदर ऐसी लूट मचा रखी होती है, मतलब वो 20 रुपये के पॉपकॉर्न के लिए 200 रुपये लेते हैं और पब्लिक लेती भी है, और इसीलिए ये उसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो आप सोचिए उस केस पर कंपनी को कितना प्रॉफिट होता होगा। अब यहाँ पे लास्ट एंड लीस्ट मैं आपको कंपनी के शेयर के प्राइस का एनालिसिस बताता हूँ। अगर आप कंपनी के 5 साल का हाई देखोगे तो 511 का कंपनी ने हाई बनाया था, और अगर आप बात करोगे और अभी शेयर चल रहा है 273 रुपीज़ पे। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में कंपनी ने लगभग 10-15 दिन पहले कंपनी ने 315 तक कंपनी का हाई बन गया था, और अभी ये शेयर लगभग उससे 10-15% गिर चुका है। और जबकि अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है मार्केट में कि ये जो शेयर, मतलब कुछ सिनेमा हॉल चालू होने वाले हैं विथ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ, और जिसके बाद भी अगर आप देखोगे कि ये शेयर 10-15% गिरा हुआ पड़ा हुआ है, फिर भी ये शेयर अभी 10-15% गिरा हुआ पड़ा है। अभी क्यों गिरा हुआ पड़ा है? क्योंकि मार्केट में जब तक न्यूज़ नहीं आती है ना तब तक वो शेयर भाग चुका होता है, और जब तक, क्योंकि जो ऑपरेटर लोग होते हैं ना उनको पहले से ही खबर पता पड़ चुकी होती है और वो पहले ही अपने शेयर को पहले वो अपने सौदे ले लेते हैं और पहले शेयर की रेट आगे बढ़ा देते हैं। और जब रिटेल इन्वेस्टर्स को न्यूज़ मिलती है और फिर वो जाके शेयर को ख़रीदने जाता है तब तक शेयर की प्राइस बढ़ चुकी होती है, और फिर वो शेयर ख़रीदता है और फिर उसके कपड़े फट जाते हैं। और अगर अभी देखा जाए तो एक कंपनी एक अच्छे प्राइस पे फिर से आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ये 315 का हाई बना के आया था, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ये शेयर अगर अभी इसी रेट पे भी लेना हो तो आप ले सकते हो मेरे ख्याल से, जब अभी तो नहीं, अगर आपको ये शेयर अगर 2-3 साल तक के लिए रखना हो तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। क्योंकि कोरोना से अगर हम जैसे ही छुटकारा पाते हैं तो लोग जल्द से जल्द मूवीज देखना चालू करेंगे, और जब आइनॉक्स भी उसका फ़ायदा उठाएगा
जाएगा और आइनॉक्स भी अपनी प्राइसिंग को ज़्यादा रखेगा, उस वक्त आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूँ, लेकिन कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में तो उससे पहले आप उस शेयर को ले लीजिए। क्योंकि देखिए ये शेयर 220 तक ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद आप देखिए ये 6 महीने में अभी ये 315 तक का हाई बनाया। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सिनेमा कभी ना कभी चालू होंगे, तो उस वक्त अगर आप 220 में इस शेयर को ले लेते तो आपको लगभग 40% तक का प्रॉफिट मिल जाता। तो ये मेरा था आइनॉक्स लेजर के शेयर का एनालिसिस। मैं होप करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।